शानू, शानू, मैंने अभी कुछ देर पहले कादिर की गाड़ी का हॉर्न सुना था। कहाँ है वो? जी बेगम साहबा, कादिर भाई की गाड़ी आई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर साहब के घर चले गए। ठीक है, चलो। देख लिया आप, वही सच हो गया ना जो मैं कब से कह रहा हूं। अब हमें जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले लेगा और हम सबको शॉक कर देगा। हारिस की क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपको इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मेरा सब कहना मुनासिब नहीं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इंटेलिजेंट, समझ सकती हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए मामी, कल आपने कादिर को रोका और वो रुक गया। वो ये बात जानता था कि आज आप दोबारा उसको रोकेंगी, इसलिए बाहर बाहर से उरम की तरफ चला गया। ताकि आप उसे रोक ना लें। और वो लोग तो बैठे होंगे उसके इंतजार में, और अभी सब मिलके उसका ब्रेन वॉश कर रहे होंगे। कादिर मेरा बेटा है, उनकी बातों में नहीं आएगा। हमी अब वो हुरम का शौहर है, और महमूद अंकल का दामाद। जैसा वो लोग चाहते थे बिल्कुल वैसा हो रहा है। उनको तो पला पलाया बेटा मिल गया, कि अगर हुरम को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था तो महमूद अंकल और जारा आंटी को चाहिए था उसको समझा बुझाकर यहां पे वापस भेजे। गलती तो आखिर उन्हीं की थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को घर पे बिठा लिया। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका दामाद भागा भागा पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ।
तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? अपने घर जाओ। अपने नहीं, हमारे घर। वो तुम्हारा घर है। वो तुम्हारा ही घर है। हमारा घर। तुम्हारी जगह वहीं पर है जहां पे मैं हूं। मैं भी यही समझी थी। तुम्हें जितना मुझे शर्मिंदा करना है तुम कर लो। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं नहीं जाऊंगी। वरुण प्लीज। प्लीज घर चलो। कादिर प्लीज मुझे तंग नहीं करो। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती, खास तौर पे जब तक हारिस वहां पे, मैं खुल के सांस भी नहीं ले सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम मेरे घर में तुम्हारी जिंदगी कोई मुश्किल नहीं करेगा।